है, ये अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन है जो तुरंत बंदूक टांग देते हैं, ऊपर से बोलते हैं ये तो ऊपर से आदेश नहीं आया है, नहीं तो लाठी चला देते। हम चैलेंज करते हैं ऊपर से आदेश लेके तो देखिए, जो लोग ऊपर में बैठा है ना 2024 उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। गरीब आदिवासी किसानों की 600 एकड़ जमीन वापस लौटाई थी, ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया है तो गवर्नमेंट का काम होता है, ये सर्वसीयों का काम होता है, काम नक्सली किया, बताइए तारीफ किसका होगा? बताइए तारीफ किसका होगा? हम नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग बोलता। गिरिडीह, गिरिडीह में मधुबन खास जगह, 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस कर रहा था। यहाँ SDPO है हमारे बगल में, SDM हमारे बगल में है, COPDO बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंझला बाबू बैठते हैं, आओ कोयला चोरी होता है। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है GT रोड, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए, और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं, जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग ट्रेवल्स के लोग हो या फिर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस क्लास हो या फिर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो या थाना प्रभारी, आज सहयोग किए हम उनका धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई थाना प्रभारी से नहीं है। आप हैं कौन? आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जांच लीजिए। आप भी किसी मजदूर का बेटा है, आप भी किसी किसान का बेटा है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना किसी जवान से है, ना किसी थाना प्रभारी से। अरे आप इस सिस्टम में हैं कौन? आप हैं कौन? आपका अस्तित्व क्या है, बताइए इस सिस्टम में। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो एक भाई को नक्सली बनाती है, एक को थाना प्रभारी, और साला दोनों को गोली से मरवाती है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। इसलिए आपसे एक सवाल भी करेंगे कि आप भारत सरकार के पुलिस है या अंग्रेज की गए, क्योंकि जलियांवाला बाग अंग्रेज के टाइम हुआ था। आप लोग दम से बंदूक लेके लाठी लेके तैयार हो जाते हैं, अरे भाई हम लोग निहत्थे आए हैं, खाली हाथ आए हैं, स्थिति को समझिए। इसलिए ये सवाल मन में आता है कि आप भारत सरकार लोकतांत्रिक देश के पुलिस प्रशासन हैं या अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन हैं जो तुरंत बंदूक टांग देते हैं, ऊपर से बोलते हैं ये तो ऊपर से आदेश नहीं आया है, नहीं तो लाठी चला देते। हम चैलेंज करते हैं ऊपर से आदेश लेके तो देखिए, जो लोग ऊपर में बैठा है ना 2024 उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। जिनके आदेश के भरोसे आप बैठे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, 24 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे, इस बात को याद रख लीजिए। और यकीन मानिए इसके बाद हम लोग आदेश नहीं देंगे, हम लोग आदेश देने पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे भाईचारा पूर्वक काम लेंगे। आपको ये आभास नहीं कराएंगे कि आप नौकर हैं, आपको ये आभास कराएंगे कि आप सेवक हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है बंदूकगन, जितने भी बंदूकधारी लाठीधारी आए हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी देश में चल रहा है। आप ही देखिए, आप जो जिस पुलिस कानून के तहत आज ड्यूटी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो बताइए जब इस देश में 1861 इंडियन पुलिस एक्ट चल सकता है, तो उससे 70 साल बाद 1932 का खतियान बना है, कहे नहीं चलेगा? अभी बताइए बड़ा बाबू, आप बताइए, आप जो एक वर्दी पहने हैं, ये वर्दी का शुरुआत हुआ है 1861 से,
अब बताइए 1861 का वर्दी आज तक खो रहे हैं तो 1932 कहां ने चला गया, ईमानदारी से बोलिए। ये जो खाकी रंग की वर्दी आपको पहनाई गई है ये 1861 की वर्दी है। तो बताइए इंडिया की सरकार ने अलग क्या किया? हाँ, एक काम अलग किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, एक काम अलग किया है। जैसे हमारी दीदी लोग भी अब पुलिस बनी है, ये अंग्रेजों के टाइम नहीं होता था, हमारी दीदी लोग भी पुलिस बनी है, ये इंडिया ने किया है। हाँ, और एक काम किया है, अंग्रेजों के टाइम हाफ पेंट था, ये फुल पेंट हुआ। ऐसे जगह नहीं हुआ है, इसीलिए आप निश्चिंत रहे, हमारी लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। अभी जो भारत में संविधान है जिसके ढांचे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मुख्य सचिव को लेटर दिए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो किसी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं उनको लेटर दिए हैं, प्रशासन और पुलिस के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से लेटर दिए। हाँ, आप ये बोलेंगे परेशानी हो रही है, आप प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग इस बात की दलील आप रखेंगे कि यातायात को परेशानी हो रही है। यार, इन लोग को 4 घंटा परेशानी होगा, हम लोग का 40 साल से परेशानी झेल रहे हैं।